अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे, और ये जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नोट करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नोट नंबर, तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं इसको क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, एक सर्किट माना और इस सर्किट में आर वन आर टू आर थ्री तीनों रजिस्टेंस या रजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है। इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। देखिए मान लीजिए कि आर वन रजिस्टेंस के पास पोटेंशियल कितना है, वी वन है। आर टू रजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी टू है। आर थ्री रजिस्टेंस के पास पोटेंशियल कितना है, वी थ्री है। अब ये काम करते हैं कि ये तीनों रजिस्टेंस को अलग अलग करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो पहले इसको एनालिसिस करते हैं, R1 इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R1 का, V1 है। अगर इसमें हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1, करंट I, रेजिस्टेंस R1। अब इसको एनालिसिस करते हैं, रेजिस्टेंस R2, पोटेंशियल डिफरेंस V2। अच्छा करंट इसमें भी कितना पास करेगा, I पास करेगा। क्यों पास I करेगा, क्योंकि ये सीरीज में कंबाइन है। अब इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो V2 इक्वल टू I R2। अब इस पर एनालिसिस करते हैं, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, करंट इसमें भी I पास करेगा। तीनों में करंट आई पास कर रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। इसमें अगर ओम्स लॉ लगाते हैं वी थ्री इक्वल टू आई आर थ्री, आई आर थ्री, क्लियर। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको वो बताने जा रहा हूं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए ना इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इट मींस करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि यहां पे भी वन इक्वल टू आई आर वन, यहाँ पे आई क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या है, कांस्टेंट है। यहां भी क्या है, कांस्टेंट है। यहां भी क्या है, कांस्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, करंट क्या होता है, कांस्टेंट है। यानी कि V1 इक्वल टू आई आर वन है तो I क्या है, कांस्टेंट है। V2 इक्वल टू आई आर टू तो I क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी I क्या है, कांस्टेंट है। आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि अगर फॉर एग्जांपल Y इक्वल टू के एक्स है तो ये K जो क्या होता है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि Y इक्वल टू के एक्स है, के क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या इसको हम वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख सकते हैं, लिखते भी हैं, लिखते हैं कि नहीं। या सिंपली बोलिए कि अगर v इक्वल टू आई, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि z इक्वल टू a x है और a क्या है, कांस्टेंट है, तो z जो होगा डायरेक्टली डिपेंड करने लगेगा x पे, यानी कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है। यहां पे ध्यान से देखिए कि V इक्वल टू आई आर वन है और I क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। I क्या है, कांस्टेंट है, तो I अगर कांस्टेंट है तो V1 जो होगा R1 पे डायरेक्टली डिपेंड करने लगेगा, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए I क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए V2 जो होगा R2 पे डायरेक्टली डिपेंड करने लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए V3 इक्वल टू आई आर थ्री है, ये R जो है, I जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे V3 जो होगा R3 पे डायरेक्टली डिपेंड करने लगेगा, यानी कि V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। बात समझे ये, चलिए ये देखिए अब क्या चीज आ गया, अब इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, ये क्या है, ये देखिए क्या आया है कि ये जो V1 जो है ये एक्चुअली किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस R1 का। तो यहां पे स्टेटमेंट, यहां पे जो आया है रिजल्ट, ये रिजल्ट देखिए क्या शो कर रहा है,
कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू पे, यानी कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उसी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू पे, यानी कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। यहां पे देखिए सेकेंड केस में देखिए V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है, यानी कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू पे, यानी कि V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। ये जो V3 है यहाँ पे देखिए V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, यानी कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू पे, यानी कि V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो क्या ये तीनों रिलेशन से ये जो V1 डायरेक्टली R1 है, V2 डायरेक्टली R2 है, V3 डायरेक्टली R3 है, ये तीनों से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, तीनों से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द each resistance is directly proportional to the value of resistance। ये जो भी चीजें हुआ है किसमें हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ, तो बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ना, इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू पे, इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू पे, यानी V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू पे, यानी कि V3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियर हुआ पक्का, यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं यहां पे इसे बोल सकते हैं कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, V3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3। यानी कि अगर ये तीनों स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, कम होगा तो कम होगा, कम होगा तो कम होगा। समझ गए, यानी कि सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस जो होता है इच रेजिस्टेंस का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यू पे, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ही सिर्फ ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, वहां पे बताएंगे क्या होता है, बट ये याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्लियर समझ गए, चलिए कुछ ना क्वेश्चन करते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 देन ऑप्शन ए V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऑप्शन बी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, सी V1 लेस देन V2 लेस देन V3, एंड देन डी V1 इज इक्वल टू V2। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट है, इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस है, तीनों क्या है सीरीज में कंबाइन है, एक बैटरी है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है I, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3 है। अब कहता है कि अगर R1 इज ग्रेटर देन R2
आर टू इज ग्रेटर देन आर थ्री, यानी कि आर वन इज ग्रेटर देन आर टू और आर टू इज ग्रेटर देन आर थ्री। कहने का मतलब आर वन सबसे ज्यादा है, आर थ्री सबसे कम है। तो इस चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यानी कि इफ आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, आर टू इज ग्रेटर देन आर थ्री, यानी कि आर वन ज्यादा है, आर थ्री सबसे कम है। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए अभी आपको हमने क्या सिखाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल जो होता है हर रेजिस्टेंस का अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का, यानी कि ये जो वी वन होगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर वन पे, ये जो होगा ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर टू पे, ये जो होगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर थ्री पे। क्लियर? अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स अगर आर वन ज्यादा है, यहाँ पे अगर आर वन ज्यादा है तो वी वन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर सबसे कम आर थ्री है तो इस आर थ्री में सबसे पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा, यानी कि अगर आर थ्री सबसे कम है तो पोटेंशियल सबसे कम होगा। समझ में आया? ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो इसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इसमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस सबसे कम है तो पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो अब यहाँ पे एक डिसाइड कर लिए कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा इसका, यानी कि वी वन सबसे ज्यादा होगा, ये रेजिस्टेंस आर थ्री जो है सबसे कम है तो इसका पोटेंशियल सबसे कम होगा, यानी कि वी वन सबसे ज्यादा होगा, वी थ्री सबसे कम होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू ऐसे निकाल सकते हैं कि वी वन जो है ग्रेटर देन होगा वी टू से एंड ग्रेटर देन किससे होगा। ठीक है, आर वन ज्यादा है तो वी वन ज्यादा हो गया, आर थ्री सबसे कम है तो आर थ्री सबसे वी थ्री सबसे कम हो गया। क्लियर? तो चार ऑप्शन में से चूज कीजिए ऑप्शन कहां पे है। ये देखिए वी वन इज ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी थ्री, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ गए? इसी पे एक और क्वेश्चन इसी को इसी में क्या करते हैं ना, इसको ना चेंज कर देते हैं। इसीलिए क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि R3, अब कहता है क्वेश्चन टू में, अब क्या कहता है कि इफ R1 सबसे कम है और R3 सबसे ज्यादा है, यानी क्वेश्चन टू में R3 सबसे ज्यादा है, R1 सबसे कम है। तो R3 अगर सबसे ज्यादा है तो V3 सबसे ज्यादा होगा, R1 सबसे कम है तो V1 सबसे कम होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आर वन आर टू आर थ्री, यानी कि आर थ्री ज्यादा है तो आर थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग वी थ्री जो होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर आर वन अगर सबसे कम है तो आर वन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा। बात समझ रहे हैं पक्का? यानी कि अब ये ऑप्शन चूज कीजिए इसमें से कौन सा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए मैं इसी में क्या करता हूं, बराबर कर देता हूं। अब देखिए क्या करता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें देखिए क्या करता है कि R1 जो है सबसे ज्यादा है बट ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि ये जो है इन दोनों से ज्यादा है, ये जो है इन दोनों से ज्यादा है, और ये दोनों क्या है बराबर। ठीक है ना, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू बट आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, यही है ना। तो अगर आर वन सबसे ज्यादा है तो वी वन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ये सबसे ज्यादा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो भी ज्यादा होगा। अब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बराबर, ये दोनों अगर बराबर है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा। क्लियर? यानी कि स्टेटमेंट ये देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये देखिए वी वन इज ग्रेटर देन वी टू इक्वल टू वी थ्री, यानी कि ये ऑप्शन, सॉरी वी थ्री को मैंने पे। क्लियर? चलिए एक और देखिए, एक कॉन्सेप्ट से देखिए कितना क्वेश्चन बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम लोग देखिए चार क्वेश्चन कर लिए। मान लीजिए ये भी बराबर है, यानी कि इस बार क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस सेम, तीनों बराबर है,
अगर तीनों जब बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तीनों बराबर है, क्लियर। तो अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कहने का मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो तीनों क्या है, बराबर है, तो तीनों बराबर है तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, किसी के ना ज्यादा किसी के ना कम, तीनों बराबर तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का। हम लोग नोट 1 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग नोट 2 डिस्कस करेंगे। नोट 2 में एक्चुअली एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है वोल्टेज डिवाइडर रूल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप इस टॉपिक को सीख जाते हैं तो इस टॉपिक का यूज करके आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, देखते क्या है वोल्टेज डिवाइडर रूल। This rule applicable for I equal to constant. Voltage divider rule जो है applicable है सिर्फ और सिर्फ constant current के लिए, यानी कि जब constant current होगा तभी हम ये rule को apply कर सकते हैं। और आपको already बता चुका हूं कि current constant कहाँ होता है, तो current constant series combination में होता है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि करंट कांस्टेंट कहां होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, यानी कि दिस इज पॉसिबल यानी कि करंट कांस्टेंट किस केस में पॉसिबल होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहे हैं, ये रूल कब पॉसिबल है, जब करंट कांस्टेंट होगा तब। करंट कांस्टेंट कब पॉसिबल है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही करंट कांस्टेंट होता है और ये रूल कांस्टेंट करंट के लिए ही अप्लीकेबल है। तो क्या डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया, यानी कि अगले बार से याद रखेंगे जब भी ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे पहले कि जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते। क्लियर, गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये रूल क्या होता है। ये तो हमने देखा कि किस में अप्लीकेबल है या नहीं है, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि ये रूल क्या होता है। तो देखिए, हमने एक सर्किट माना और इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस यानी R1 R2 क्या है, सीरीज में कंबाइन है। इस सर्किट में एक बैटरी भी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस सर्किट में टोटल करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। अब एक काम करते हैं, 1 by 1 एनालिसिस करते हैं, 1 by 1 एनालिसिस करते हैं। तो पहले इसको उठाते हैं, करंट कितना पास कर रहा है, आई। रेजिस्टेंस कितना है, R1। वोल्टेज कितना है, V1। इसमें अगर ओम्स लॉ लगाते हैं हम तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1। अगर इसको पकड़ते हैं, रेजिस्टेंस R2, पोटेंशियल डिफरेंस V2, करंट I, दोनों में सेम करंट जाएगा क्योंकि सीरीज में है। इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो V2 इक्वल टू IR2, कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, इस सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करके कहने का मतलब कि जब ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कंबाइन है तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो देखिए क्या होगा।
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, क्यों, क्योंकि सीरीज में है। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसे, आई। अब इस केस में ओम्स लॉ लगाते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी, टोटल करंट आई, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, अगर मैं यहां से आई निकालता हूं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट। क्लियर, चलिए अब देखिए यही कांस्टेंट इस रेजिस्टेंस में भी पास कर रहा है और इसमें भी पास कर रहा है, तो अब एक काम करता हूं कि वी वन इक्वल टू आई आर वन, इसमें यहां देखिए करंट, क्या इस करंट की जगह पे क्या इसको रख सकता हूं, क्यों नहीं रख सकता हूं, क्योंकि यही करंट तो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, यही करंट तो यहां पे है ना, तो क्यों नहीं इसके जगह पे मैं वी बाई आर की वैल्यू रखता हूं। चलिए रख देता हूं, तो वी वन इक्वल टू आई के जगह पे क्या रखूंगा, वी बाई आर की वैल्यू एंड देन ये आर वन। क्लियर, तो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर वन, आर की वैल्यू देखिए कितना है, आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू, या और ऐसे कर दीजिए कि वी वन इक्वल टू वी आर वन, आर वन प्लस आर टू। ये समझ में आया, अब इसमें देखिए करते हैं काम, अब ये करंट तो यही वाला है और ये करंट तो टोटल करंट है ना, देखिए ना ये करंट, यही करंट इसमें गया है, इसमें गया है, तो क्या इसके जगह पे भी वी बाई आर की वैल्यू रख दूं, ऑफ कोर्स, तो रख दिया वी बाई आर की वैल्यू आर टू। अब ध्यान से देखेंगे वी जो है एज इट इज रहने दीजिए, आर टू एज इट इज रहने दीजिए, आर की वैल्यू इसके जगह पे क्या रख देंगे, आर वन प्लस आर टू। बात समझ में आया, यानी कि ये जो दो रिलेशन आया है, ये जो दो रिलेशन जो आया है, ये जो दो रिलेशन आया है, एक आया वी वन, एक आया वी वन कितना आया है, वी आर वन, आर वन प्लस आर टू, और एक आया वी टू इक्वल टू कितना आया है, वी आर टू आर वन प्लस आर टू। ये जो दो रिलेशन आया है, यही दोनों रिलेशन को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल करते हैं। क्लियर, अब एक काम करते हैं ना कि ये कैसे आया पूरा आप देख लीजिए, ये दोनों कैसे आया आप लोग देख लीजिए। क्लियर, अब ना ऐसे नहीं करके डायरेक्ट लिखने से, यानी कि हमारे पास सर्किट होगा और डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिखना, देखते ही लिख देना फॉर्मूला को, हम बार बार इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने क्या बोला कि ये रूल जो है अगर इसका रूल आप अप्लाई करना सीख जाते हैं तो बहुत कम समय में बना लेंगे। क्लियर, अब अगर ऐसे करेंगे तो उससे अच्छा बेटर हो, इसलिए जैसे आपको पहले बताया इस रूल का क्या फायदा, इसलिए अब क्या करते हैं कि सर्किट से डायरेक्ट ये लिखने सिखाते हैं, ये कैसे है आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार इसको लिखने सीख गए तो समझिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो गया सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज डिवाइडर। देखिए पहले बता दो कि क्या क्या है इसमें, देखिए भीवन जो है आर वन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, ये भी क्या है टोटल वोल्टेज है या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो सप्लाई किया गया है थ्रू द बैटरी। क्लियर है, ये आर वन आर टू क्या है रेजिस्टेंस है, ये क्या है वी टू है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर टू रेजिस्टेंस, और ये क्या है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, अब मैं ये ध्यान से देखते रहिएगा, अब मैं डायरेक्ट यहां से लिखने जा रहा हूं, ये कैसा है इसको थोड़ा सा भूल जाइए।
अब ये हमारे पास सर्किट, अब इसी सर्किट से हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं दोनों को। देखिएगा ये V1 निकालना है तो क्या कीजिए, पहले V1 लिखिए, V1 लिखने के बाद सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, V लिखिए। फिर जिसमें निकालना है यानी कि V1 जिसमें था उस रेजिस्टेंस को पहले लिखिए, फिर दोनों का सम कर दीजिए। मिलाइए, मिल गया। अब इसका V2 को लिखते हैं, तो V2 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, ये V2 किस में है, R2 में है, R2 में लिखिए, फिर दोनों का सम। अब इसको मिला के देखिए सेम आ गया कि नहीं, सेम आया कि नहीं, क्लियर। एक काम करते हैं, एक दूसरा सर्किट लेके बनाते हैं, अब डायरेक्ट लिख के देखते हैं, बस अप्लाई करने सीखना आपको, ये अप्लाई करने सीख गए समझिए कि बहुत बड़ा चीज सीखे आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है 3 रेजिस्टेंस का, 2 का था, आपको 3 बस दिखा दे रहा हूं। टोटल पोटेंशियल V, करंट I, R1, R2, R3, इसके क्रॉस में V1 है, इसके क्रॉस में V2 है, इसके क्रॉस में V3 है। अब देखिए ना, हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे। टोटल पोटेंशियल V है, R1 में कितना पोटेंशियल, V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3। अब हमको V1 निकालना है, तो देखिये V1 कैसे निकालेंगे, V1 पहले लिखिए, फिर टोटल पोटेंशियल को लिखिए, फिर V1 जिसमें है उसको लिखिए R1, फिर डिवाइड कीजिए तीनों को ऐड करके, ये तीनों को ऐड करके, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा आपको V1। अब सिमिलरली V2 देखते हैं, V2 टोटल पोटेंशियल, ये V2 किसमें है, R2 में है, तो R2 लिखिए पहले, फिर ये तीनों का सम से डिवाइड कर दीजिए, है ना आसान। फिर V3 निकालना है, तो V3 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इनटू, ये V3 किस में है, R3 में है, तो R3, फिर तीनों का सम से डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही आसान है, अगर 4 होता तो 4 कर देते, यहाँ पे V4 इक्वल टू V/4 रेजिस्टेंस R4/R1 प्लस R2 R3 4 कर देते। बात समझ गए, क्लियर, गुड। एक और ऐड कर देते हैं इसमें, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए R4 है और V4 है, अब मान लीजिए इसमें से रैंडमली किसी एक रेजिस्टेंस से हमको क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। क्वेश्चन आता भी है, एक सर्किट है, कहा देगा कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो रैंडमली मैं इसमें से नहीं किसी को लिखता हूं, V4 को लिखता हूं, V4 इक्वल टू हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, ये V4 किसमें है, R4 में है, तो R4 लिखिए, फिर चारों का सम यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब V2 डायरेक्टली लिखते हैं, V2 रैंडमली लिखते हैं, V2 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, V2 किसमें है, R2 में है, फिर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे यानी कि R1 R2 R3 सबको जोड़ के डिवाइड। और भी कोई लिखना है, V1 लिखना है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V, R1 चारों का सम, ऐसे V3 भी लिख सकते हैं, V3 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, V3 किसमें है, R3 में, तो R1 R2 R3 प्लस R4। समझ गए अच्छे से, अब इसको ना अप्लाई करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब मजा आएगा इसको। क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 1।
60 वोल्ट दिया हुआ है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लीजिए R1 दिया है 2 ओम और ये R2 दिया है 4 ओम, क्लियर। अब यहां पे एक क्वेश्चन हमने लिया और इस क्वेश्चन में देखिए सर्किट में क्या है, R1 दिया 2 ओम, R2 दिया है 4 ओम, इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 60 वोल्ट। कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी कि कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि R1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखिए एक तो आपके पास तरीका है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद यहां पे ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर यहां पे ओम्स लॉ लगाएंगे, उसके बाद निकलेगा, उठा लंबा चला जा रहा है। अभी हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से क्या है, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने आपको क्या बोला था कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको देखना होगा सर्किट सीरीज में है, हाँ ये दोनों सीरीज में है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो रहा है, यहां पे V2 हो रहा है, तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V, ये V1 किस में है, R1 में है, R1 फिर दोनों का सम यानी कि R1 प्लस R1, देखा ना। चलिए V1 कितना है 60 है, R1 कितना 2 है, और ये दोनों का सम 2 प्लस 4 यानी कि 60 2 4 2 6 से 10 से कट गया 24। देखें बिना करंट निकाले, बिना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल दिए 2 ओम में, उसी तरह से R2 में भी निकाल देंगे, V2 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल R2 दोनों का सम। तो देखिए टोटल 60, R2 कितना है 4 है, R1 प्लस R2 2 प्लस 4 60 4 ये कितना हो जाएगा 6, 10 से कट गया 40, यानी कि ये कितना आया 20 आया और ये कितना आया 40 वोल्ट आया। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए 60 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको पहले सिखाया हूं कि इसी में से इसको मिलेगा, इसी में से इसको मिलेगा, दोनों का सम इसके बराबर होगा 20 प्लस 40 इक्वल टू 60, क्लियर। आप वैसे ही बनाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा, और ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल ज्यादा, ये देखिए 4 है इसमें 40 है, इसमें 2 है तो 20 है, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे मिला है, चारों तरफ से करेक्ट हो रहा है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर ये अप्लाई करने सीख है ना तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको फ्यू सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, एकदम आसान होगा। एक और मान लेते हैं, फोर सिक्स टू और ये मान लेते हैं 72, सब अपने से खुद से मान कर बना रहा हूं। अभी देखिए ये सर्किट है और इस सर्किट में क्या कर रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये सर्किट में तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 2 3, और ये तीनों रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों को निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है मान लेते हैं, और ये R3 है। ये काम करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। चलिए V1 निकालते हैं, तो V1 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V, V1 किस में है R1 में है, R1 फिर तीनों का सम, ये कितना हो गया 72, R1 हाउ मच 4, फिर 4 6 2 4 6 2 तो ये हो गया
गया 72, 4, 6, 4, 10, 2, 12 कितना हो गया 12 8 72 by 3 4 कितना हो जाएगा या काट भी सकते हैं 3 2 24 या 72 24 यानी कि इसके पास कितना आया 24 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं इसमें निकालूं V2 को निकालूं तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल R1 प्लस R2 R3 तीनों का टोटल 72 R2 कितना है 6 अब नीचे में तीनों को जोड़ेंगे R1 प्लस R2 R3 तो कितना जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2 72 6 और कितना हो जाएगा 12 तो कितना हो जाएगा 2 36 36 वोल्ट क्लियर। चलो V3 निकालते हैं यानी कि ये निकालते हैं ये कितना गया 36 वोल्ट। V3 निकालते हैं टोटल पोटेंशियल R1 प्लस R2 प्लस R3 72 R3 कितना 2 ये तीनों को जोड़ देंगे 4 6 10 2 12 यानी कि 12 6 12 6 72 12 ये कितना आया 12। अरे यार तीनों में तो निकाल दी पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर। अब देखिए ध्यान से 72 टोटल था अभी तीनों को जोड़िए 24 36 12 तो देखिए ना कितना हो गया ये आपका हो जा रहा है देखिए आराम से हो रहा है यानी कि आप तीनों को जोड़िएगा तो तीनों को जोड़ने के बाद 72 वोल्ट आ रहा है। अगर ऐसे भी नहीं चेक करना है तो ऐसे खींचिए कि ये देखिए R1 है R2 है R3 है तीनों में सबसे बड़ा कौन है R2 है तो इसमें सबसे ज्यादा 36 है उसके बाद देखिए 24 इसमें सबसे कम किस में है 2 में है तो देखिए 12 क्लियर हुआ। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्लियर हुआ अच्छे से। देखिए बिना करंट निकाले कि वाइल रेजिस्टेंस निकाले हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस निकाल दे रहे हैं क्लियर गुड। एक काम करते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। मान लीजिए सर्किट है वोल्ट और ये मान लीजिए 4 है 2 है और ये 10 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। अब देखिए कहा है कि ये जो सर्किट है सर्किट में जो 2 ओम है उस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि सिर्फ आपको इसमें निकालना है इन दोनों में नहीं निकालना है तो आप लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन को पढ़े आप लोग इसमें पूछा है तो सिर्फ आपको इसी में निकालना है तो मान लेते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मान लीजिए V2 मान लीजिए ये V1 है और V3 और आपको यही निकालना है यानी कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको यही सिर्फ निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखिए V2 किसमें है 2 में है टोटल पोटेंशियल 100 इसमें कितना डिवाइड करेंगे यानी कि 4 2 प्लस 10 यानी कि 100 इंटू 2 और क्या 4 2 6 और 10 16 एक टाइम्स कट गया 4 50 2 25 यानी कि 12.5 यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 12.5। इसमें नहीं पूछा है तो हम इसमें नहीं निकालेंगे बात समझ गए क्लियर हुआ अच्छे से।